आप देख रहे हैं सियासत। सियासत और धर्म की जोड़ी के भारत के राजनीतिक इतिहास में कई उदाहरण हैं। इस श्रृंखला में एक ऐसा और नाम जुड़ सकता है, डॉक्टर संतोष सिंह भदौरिया यानी कि करौली सरकार। नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं मृदुभाषी की खास पेशकश सियासत। कानपुर के बिदनू में लवकुश आश्रम की करौली सरकार डॉक्टर संतोष सिंह भदौरिया राजनीति में भी अपनी पकड़ बनाने के लिए शुरुआत से सक्रिय रहे। एक करीबी की मेहरबानी से पहले किसानों की राजनीति में भी सक्रिय रहा, बाद में कानूनी पछड़ों में खुद को फंसता देख बाबागिरी के धंधे में उतरना पड़ा। सूत्रों के अनुसार बाबा राजनीतिक संरक्षण के लिए अपने बेटे को राजनीति में उतारने की जुगत में जुट गए हैं। नोएडा के डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी को पीटने के मामले में करौली सरकार संतोष सिंह भदौरिया के खिलाफ पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की थी। इस दौरान बाबा के कई खुलासे लोगों के सामने हुए। सूत्र बताते हैं कि बाबा को 90 के दशक में किसानों की राजनीति अपने करीबी की मेहरबानी से मिली थी। करीबी ने जिले के भाकियों को खड़ा किया था। उस वक्त बाबा ऑटो टेम्पो चलाकर अपना परिवार पालता था। तभी करीबी की कोयला नगर में हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद भाकियों की कमान संतोष भदौरिया ने खुद अपने हाथों में ले ली थी। राजनीति के नाम पर प्रशासनिक अफसरों पर दबाव बनाने के दौरान वह कानूनी पछड़ों में फंसता चला गया, जिसके बाद उसने कुछ समय के लिए अज्ञातवास काटने के बाद शहर लौटकर बाबा बनकर लोगों की आस्था से खेलना शुरू किया। सूत्र बताते हैं कि अंधी कमाई करने वाले बाबा ने राजनीतिक संरक्षण प्राप्त करने के लिए अपने बड़े बेटे को व्यापार मंडल की राजनीति के माध्यम से सक्रिय करना शुरू कर दिया है। करीब एक साल पहले लखनऊ में हुए एक राजनीतिक कार्यक्रम में बेटे को गांव से भारी दलबल के साथ शामिल होने के लिए भेजा था। एक दिवसीय हवन के लिए 1.5 लाख रुपए की फीस लेकर चर्चा में छाए बाबा संतोष सिंह ने एक और घोषणा करके सभी को चौंका दिया। बाबा ने कुछ दिनों पहले ही अपने एक दिवसीय हवन की फीस 1 अप्रैल से 2.5 लाख रुपए करने की घोषणा की थी। इसके बाद वह कुछ समय के लिए लापता हो गया था। वापस लौटने के बाद बाबा ने एक दिवसीय हवन को फिलहाल 1 महीने के लिए बंद करने की घोषणा की। अभी के लिए इतना ही, अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे राजनीति जुगत से जुड़ी किसी अन्य खबर के साथ। आप देख रहे हैं सियासत।